नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। जब आपका पार्टनर आपसे स्पेस मांगे कि मेरे को स्पेस चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो उस टाइम चुपचाप पार्टनर को एलन मस्क के पास भेज देना चाहिए कि जाओ ले लो जितना स्पेस तुम्हें चाहिए। खैर, यहाँ पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, सॉर्टेड है, या फिर रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, हॉज पॉज है, समझ में नहीं आ रहा है, तो सामने वाला इंसान स्पेस मांग रहा है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सामने वाला इंसान एक चीज़ के साथ आता है, यार मेरे को ना स्पेस चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा गैप चाहिए, आई नीड सम टाइम टू फोकस ऑन माई लाइफ, आई नीड सम स्पेस, या फिर आई जस्ट नीड माई स्पेस। वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, स्पेस देने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, स्पेस क्यों देना चाहिए, कितने टाइम के लिए देना चाहिए, स्पेस देने से कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं देगा, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज आपका दोस्त होस्ट कोच बात करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम कैसा रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं जब हमारा जो पार्टनर है, जो हमारा बॉयफ्रेंड है, जो हमारी गर्लफ्रेंड है, अगर वो हमसे स्पेस, सामने वाला इंसान मांगता है, तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं कि अरे यार कहीं ये बोर तो नहीं हो गया, कहीं इसका इंटरेस्ट ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये स्पेस लेने के बाद मुझे छोड़ ना दे, यार अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पे हम कई बारी हम बेगिंग करना स्टार्ट करते हैं, कई बारी हम रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि अरे नहीं 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 यार क्या करोगे स्पेस लेके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वो, राइट? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हो, और कई बारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती भी हैं, बट हम उन चीज़ों को ना देखते हुए हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि यार कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये इंसान हमारे हाथों से निकल ना जाए। समझ रहे हो आप? ये एक फियर फैक्टर है, एक डर है, इसको आप डर बोल लीजिए, इसको आप इनसिक्योरिटी बोल लीजिए, ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है कि यार कहीं ये छोड़ ना दे, या फिर एक अंदर का डर है तो ऐसा बोलेगा छोड़ देगा तेरे को, देखिए छोड़ देगा, राइट? अंदर से तो डर काफ़ी बैठ जाता है, फिर समझ में नहीं आता है कि यार स्पेस देना चाहिए, कितने टाइम का देना चाहिए, फिर हम कन्फ्यूज जाते हैं। बट वहाँ पर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखो मेरे दोस्त, किसी के बारे में इतना आप मिसकंसेप्शन मत बनाओ कि वो इंसान आपके साथ रहेगा ही रहेगा, जिसको छोड़ के जाना है वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है? उसको आप स्पेस दो मत दो, ऐसा स्पेस आपसे नहीं मांगेगा कि यार मेरे को स्पेस चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, वो वहाँ पे इंसान वो यही कह देगा, छोड़ना है छोड़ देगा, और छोड़ते हैं लोग, छोड़ रहे हैं। अभी आपका GF BF वाला रिलेशनशिप है, कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, फिर आपके बच्चे भी हो जाएं, जिस इंसान को छोड़ना होगा वो छोड़ के चला जाएगा, अभी भी आपको छोड़ के चला जाएगा, शादी के बाद भी आपको छोड़ सकता है, शादी होने के बच्चे होने के बाद भी आपको छोड़ सकता है, छोड़ते हैं लोग। अभी आपको लोग आसानी से छोड़ देते हैं, उस समय डाइवोर्स लेंगे, 6-7 महीने आप फाइल करेंगे, ये वो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं सामने वाले लोग, वो इंसान आपको छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा। तो इस बारे में तो कभी एकदम मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि नहीं वो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। तो एक जो हम ग्रांटेड लेके चलते हैं ना किसी भी इंसान को कि नहीं ये इंसान है मेरे साथ, राइट? तो वो चीज़ गलत है, उसको ग्रांटेड मत लो। आप अपनी ओर से अपना बेस्ट दो, आप अपनी ओर से अपना बेस्ट शॉट दो, बाकी वो इंसान रहे ना रहे वो डायनेमिक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं आप उनको करो ना यार, क्यों उसको बदल रहे हो? आप खुद को बदलोगे, हो सकता है कि वो खुद ब खुद बदल जाए, राइट? बट अगर हम इसके ऊपर अपनी टाइम, अपनी एनर्जी लगाएं, अपना टाइम लगाएं कि नहीं मेरे को उसको बदलना है, मेरे को उसकी सोच बदलनी है, तो हो सकता है कि हम खुद ही परेशान हो जाएं, वो बदले भी नहीं और हम खुद ही परेशान हो जाएं, हम खुद ही फेड अप हो जाएं, हम खुद ही अंदर से एकदम हर्ट हो जाएं कि यार हम क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो जिसको जाना होगा छोड़ के वो जा सकता है, वन इज़ फ्री टू गो एट एनी टाइम, एनी कॉस्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जा सकता है, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस मांग रहा है सामने वाला इंसान, स्पेस दे दो, चुपचाप स्पेस दे दो कि ठीक है आप स्पेस ले लो। कई बारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि कभी किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, कई बारी लोगों को अपना करियर पे ज़्यादा फोकस करना होता है, उनके एग्ज़ाम्स हैं,
ऑफिस में ज़्यादा काम है, या फिर अपनी लाइफ से फेडअप हो चुके हैं, या फिर रिलेशनशिप से फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि एकदम बतियाए पड़े हैं, एकदम घुसे पड़े हैं एक दूसरे की लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, पर्सनल स्पेस के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे सामने वाला इंसान चाहता है कि यार मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं खुद को संभाल सकूँ, ताकि मैं खुद को समझ सकूँ। लोग इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। इवन चाहे मैं कितना भी टाइम लोगों को दे दूं, चाहे मैं कितना भी टाइम किसी को भी दे दूं, मैं इनकम्प्लीट सा फील करता हूं जब तक मेरे को एक घंटा दो घंटा खुद के लिए नहीं मिले। मैं छत पे जाके आराम से अगर खुद से बात नहीं करता हूं, आराम से एकदम रिलैक्स नहीं करता हूं, तब तक मेरा मन जो है वो बेचैन होता है, बात है साफ। तो हर एक इंसान को अपना स्पेस चाहिए होता है, तो इन द सेम वे सामने वाले इंसान को भी उसका स्पेस चाहिए। उस चीज़ को आप समझिए और उसको स्पेस दीजिए, और अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो स्पेस हमेशा के लिए ले लेगा, बड़े आसानी से ले लेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी मत रहिए कि नहीं ऐसा है वैसा है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते मेरे दोस्त। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है उसके लिए हमेशा दरवाजे आप खोल के रखिए कि ठीक है आप जा सकते हैं। किसी को फोर्स करके, किसी को जोड़ जकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिए अपनी लाइफ में। आप जिसको रहना होगा वो रहेगा, वो प्यार से रहेगा, वो बड़े आराम से रहेगा, वो इज्जत के साथ रहेगा, वो रिस्पेक्ट के साथ रहेगा। जिसको नहीं रहना है जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ है, स्पेस देने के बाद कई बार हमें वैल्यू भी समझ में आती है कि हमारी खुद की क्या वैल्यू है, सामने वाले इंसान की क्या वैल्यू है। कई बार हम इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें खुद को पता नहीं चलता है कि यार सामने वाले इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, और हम अपनी वैल्यू हमारी रियलाइज़ नहीं होती, हमें खुद को, हम अपनी वैल्यू ही खो देते हैं। तो उस वैल्यू को रीगेन करने के लिए आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं ताकि आपको खुद को समझ में आए। अगर आप अपने रिलेशनशिप से फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जब रिलेशनशिप में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप स्पेस दीजिए, राइट। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन होगा, तो उससे आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप परेशान रहोगे, एक एक दुखियारी जो आत्मा होती है वो दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकती, समझ रहे हैं आप। तो इन द सेम वे एक जो परेशान आत्मा है, एक जो परेशान इंसान है, वो परेशानी के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता है। और अगर एक इंसान परेशानी के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता है, तो सबसे पहले उसको टाइम दो, खुद को हील करे, खुद को समझे, थोड़ा सा स्पेस ले, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करे, खुद की पर्सनल लाइफ मैनेज करे, एंड देन आपका जो रिलेशनशिप है वो मैनेज किया जा सकेगा, समझ रहे हो आप। स्पेस देने से कई बारी अट्रैक्शन भी बिल्डअप होता है। अगर आपका अट्रैक्शन लूज हो चुका है, अगर आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अगर आप बोर हो चुके हो, तो आप वहाँ पे स्पेस दोगे। स्पेस दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे लिए क्या मेंट करती है। थोड़ा सा टाइम जब आप दूर होते हो ना किसी से, तो आपको समझ में आता है कि उस इंसान की क्या वैल्यू है, उस इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है। जब वो इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, आप उसके लिए अवेलेबल रहो, तो कभी एक दूसरे की वैल्यू समझ में नहीं आती है। कभी एक दूसरे की क्या कीमत है वो हमें समझ में नहीं आती है। एक दूसरे की क्या प्रायोरिटी है वो हमें समझ में नहीं आता है। हमें बस इतना समझ में आता है कि चलो जी रिलेशनशिप है, इसलिए स्पेस देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप बढ़िया भी है, तब भी कई बार आप रिलेशनशिप में आप स्पेस दो, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो हैम्पर ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज रहे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज हो रही है, देन ट्रस्ट मी, जो हैप्पीनेस है ना, जो खुशी है, वो आपके खुद से स्टार्ट होती है। Happiness does not start with a relationship, it does not start with your job, it does not start with your family, it starts with yourself. और अगर ये चीज़ खुद से स्टार्ट होती है, खुद से शुरू होती है, then it is your responsibility कि कैसे खुद को खुश रखा जाए, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज किया जाए। और एक बार आपने वो सीख लिया, अगर आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर प्रॉब्लम भी आएगी तो आप उसको सॉर्टेड कर पाओगे, क्योंकि आपका आपके पास आपका पीस ऑफ माइंड है, आप खुश हो, आप मस्त हो अपनी लाइफ में, आप समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, राइट। इतना ज़्यादा फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, समझ रहे हो आप। और अपने अंदर ये डर और इनसिक्योरिटी मत रखें कि वो इंसान चला जाएगा, छोड़ देगा। सब लोग के लिए मेंट नहीं होते हैं मेरे दोस्त। उसके साथ आपका जन्म नहीं हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बिना आप जी ना पाए, राइट। अगर उनके साथ जन्म हुआ रहता तो ठीक है, मैं मान सकता था कि आप उनके बिना नहीं जी सकते। बट अगर उनके साथ आपका जन्म नहीं हुआ है, आप अकेले पैदा हुए हो, तो आप अकेले जी सकते हो। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप नहीं समझोगे तो कोई और समझेगा, उसकी लाइफ बेटर होगी। स्पेस चाहिए, स्पेस लो, चीज़ों को समझो,
अंडरस्टैंड करो अपनी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको मैनेज करो, फिर से स्टार्ट करो एक रिलेशनशिप विद, एक एकदम नई शुरुआत करो, राइट? जैसे आप फिर से शुरुआत करते हो नई चीज़ों को, एक बारी जब आप फेड अप हो जाते हो, आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, आप परेशान हो जाते हो, आपके अंदर गुस्सा होता है, जब समझ में नहीं आता है, क्या करते हो आप? थोड़ा सा टाइम देते हो खुद को हील करने के लिए, खुद को हील करते हो, खुद को हील करने के बाद व्हाट डू यू डू? लाइक आप फिर से स्टार्ट करते हो, एक नई शुरुआत करते हो, यू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, राइट? कि चलो ठीक है, जो गलतियाँ हुई हुई, लाइक फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी ओर से अपना बेस्ट दूंगा, आप अपनी ओर से अपना बेस्ट दो। वही हम एक इंसान कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड जाके कोई कुछ नहीं कर सकता है। उससे बियॉन्ड अगर आप सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, मैं ये उखाड़ लूँ, वो कर लूँ, तो रियलिस्टिक होके आप सोचें कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त उसको कोचा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूं, तो पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इतने कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।